जोश क्रोश के साथ भारतीय जनता पार्टी पानीपत ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का समापन यहाँ पर इस चौक पर आकर किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम के तहत एक तिरंगा यात्रा निकाल ली। आपको सबको पता है कि आज हिंदुस्तान के हर घर पर तिरंगा लहराया जा रहा है। देश में नहीं, दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी रहता है, जिसकी आत्मा हिंदुस्तान में बसती है, उसने विदेश में भी अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया है। यही तिरंगा झंडा हमारे देश का गौरव है, मेरे देश की आन बान शान है, और इसी तिरंगे झंडे की ताकत पर हम लोग दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का संकल्प हिंदुस्तान के हर युवा ने लिया है, और आप सब ने देखा है कि कितने जोश जुनून के साथ आज युवा तिरंगा झंडा लेकर हाथ में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गान के साथ सड़क पत्र इस यात्रा का भव्य जो प्रगटीकरण कर रहे थे, उसके लिए मैं भी और हमारे सांसद भी तमाम कार्यकर्ताओं का दिल से अभिनंदन करते हैं। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा झंडा लगाने का हम लोग अभियान चलाएंगे। यह अभियान पिछले वर्ष भी चला था, और पिछले वर्ष जब हिंदुस्तान के हर घर पर तिरंगा लहराया गया था, बड़ा जोश और जुनून देखने को मिला था। इस बार फिर हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक को यह आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, ये तिरंगा झंडा मेरे देश की आन बान शान है। इसी तिरंगे झंडे के दम पर हम लोग 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए हर आदमी शान से, शौकत से और पूरे दिल में उत्साह और आनंद के साथ तिरंगा झंडा लहराए भी और तिरंगा यात्रा भी निकाले, उनके आह्वान पर हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाली है। हजारों नौजवान अपनी अपनी बाइकों पर जिस तरह से जोश और जुनून में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गान के साथ आज इस तिरंगा यात्रा में अपने जोश का प्रगटीकरण कर रहे थे, उससे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर जोश नागरिक में जो इस तिरंगे को लेकर जोश है, जो भारत माता के प्रति जो एक उनका आदर सत्कार है, वो इसी तरह से कायम रखते हुए हम लोग अपने मिशन को पूरा करेंगे। हमारा मिशन है 2047 तक हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, और उसी संकल्प के साथ ये तमाम नौजवान आज सड़क पर तिरंगा झंडा लेके उतरे हैं। हम सब लोग रेस्ट हाउस पर इकट्ठा हुए, और सेक्रेट में जो शहीदी स्मारक है, शहीदी स्मारक पर हमने पुष्प अर्पित किए, और पुष्प अर्पित करके वहाँ से हमारी यात्रा चली, और अब हम लोग ये बिचपड़ी चौक पर आकर इसका समापन कर रहे हैं। इस देश की आर्थिक सुरक्षा, इस देश की सामाजिक सुरक्षा, इस देश की राजनीतिक सुरक्षा भी, और इस देश के अंदर हर आदमी की सुरक्षा, ये हमारे कंधों पर एक जिम्मेवारी है, और नौजवान अगर अपनी जिम्मेवारी से भागेगा तो निश्चित तौर पर देश को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक देश का नागरिक ये समझे कि ये देश और इस देश की तरक्की ये मेरे कंधे पर है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है, इसकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। इसलिए हर व्यक्ति, हर नौजवान जब भारत माता के साथ अपना संकल्प लेकर ये तय करेगा कि मैंने अपने मिशन को पूरा करना है कि 2047 में देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेवारी के साथ सब कार्यकर्ता, सब लोग आज अपने मिशन पर निकल चुके हैं। हमारा मिशन कामयाब होगा, भारत को विश्व गुरु बनाना। पूरा जोश, पूरा उत्साह पानीपत ग्रामीण इसकी यात्रा ने एक इतिहास रचा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर बाइक तिरंगा यात्रा लेकर निकली है, जो एक इतिहास बना। आज मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, हमारे पानीपत ग्रामीण विधानसभा के अंदर आज हजारों की तादाद के अंदर बाइकों के ऊपर जो तिरंगा यात्रा निकली है, आज देश के प्रति, इस तिरंगे के प्रति पूरे देश का आज एक बड़े सम्मान की बात है, जो कभी नहीं हुआ इस मोदी जी की सरकार के अंदर। एक एक भारतीय को इस तिरंगे से प्यार है, हम भारत माता की। आज पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हमारे सभी साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस खुशी के माहौल में चार चांद लगा रही है। बहुत ज़्यादा उत्साह आपने देखा है, पूरा काफिला ये हजारों की संख्या में सारे तिरंगा यात्रा पे हमारे साथी बाइक पर लेके हमारे पूरे पानीपत शहर में घूम रहे हैं। इससे बड़ा उत्साह क्या देखने को मिलेगा भाई साहब। भारत माता की जय।